भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निःशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। बातों से भगवान नहीं बनते, गुणों से भगवान बना करते हैं। ईश्वर के गुण क्या हमारे अंदर पैदा हुए? जब हमको गुस्सा आ रहा है तो उस समय थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मुझे भगवान बनना है, और भगवान कभी गुस्सा नहीं किया करते हैं। जब आलू प्याज खाने को बैठो तो सोचना मुझे भगवान बनना है, भगवान क्या आलू प्याज खाते हैं? जब रात्रि में भोजन करो तो सोचना मुझे भगवान बनना है, क्या भगवान रात्रि में भोजन करता है? जब छल कपट करो तो सोचना मुझे परमात्मा बनना है, क्या भगवान छल कपट किया करते हैं? ध्यान रखिए, भगवान के गुणों की आराधना, गुणानुवाद, उसी को पूजा कहते, उसी को विधान कहते, उसी को भक्ति कहते हैं। रोज हो रही है पूजा, रोज गुणों की आराधना की जा रही है। अपने आप को देखें, एक राजा था, उसके पास बहुत खजाना था, अपार धन वैभव था, बहुत बटोर रखा था, लूट खसोट करके दूसरे राज्यों का भी धन उसने युद्ध कर करके अपने अंडर में कर लिया। उसने एक जंगल में दूर एक भंडार बनाया, एक खजाना बनाया कि हमको यहां पर अपना खजाना छिपा करके ध्यान रखना। पैसा नहीं होने से भी नींद खराब होती है, और ज्यादा होने से और ज्यादा खराब होती है। सोई नहीं पाता है आदमी, जागते रहता है आदमी। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, मेरा चतुर्मास था एक शहर में, एक आदमी आया, मैं ऐसे तखत पे बैठा था। उसने सोचा यार पैसे लेकर आया था, और पैसे लेकर आया तो उसने क्या किया, आहार देना था, जल्दी से पैसे की थैले मेरे तखत के नीचे डाल दी। अब मुझे तो पता ही नहीं कि नीचे क्या है, उसने भी नहीं बताया। लेकिन वो अब जाके कपड़े बदल करके आहार देने लगा, थैला नीचे डाल दिया नोटों से भरा हुआ। उसने सोचा यार इससे ज्यादा सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, लॉकर में चोरी हो सकती है, किसी को रखाऊंगा तो महाराज के पास कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए। और आहार देके वो थोड़ा बाजार चला गया। अब वो तो चला गया, पता चला कि नीचे नोट रखे हैं। अरे मैंने कहा ये पैसा किसका रखा है। अब वो पट्ठा तो चला गया, हमारी नींद हराम, हम बाहर जाएं तो दिक्कत हो, डर लगे कोई देखे तो क्या कहेगा, कोई उठा के ले गया तो मेरी क्या जिम्मेदारी है। वो तो मस्त आराम से शॉपिंग कर रहा है बाजार में, चौकीदार हमको बना करके चला गया, हम संभाल रहे उसका पैसा। वहां से फोन आया, महाराज को बोलना उनके नीचे मेरा कुछ रखा है, संभालना। अरे महाराज संभालेंगे, अरे दिगंबर हो गए, तन का कपड़ा छोड़ दिया, तेरे पैसे की रखवाली करते रहे। 3 बजे लौटा बाजार से, जैसे ही आया मैंने कहा इधर 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 आ, कहां गया था? अरे कोई चिंता नहीं महाराज। मैंने कहा मुझे चिंता में डाल के खुद निश्चिंत हो रहा है, खुद कह रहा है कोई चिंता। मैंने कहा उठा अभी इसी को, ये जो तेरी चिंता है ना वो मेरे तखत के नीचे पड़ी है, इसको उठा और मुझे चिंता मुक्त कर। विचार करिए, सोचिए, जिनके पास है ना वो और ज्यादा टेंशन में है, जिसके पास नहीं इतना ही है ना, चलो हमारे पास कम है कोई बात नहीं है, दाल रोटी चल रही, घर परिवार चल रहा है। जिसके पास ज्यादा है ना तो मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आया करती। राजा के पास बहुत खजाना था, उस खजाने की 2 चाबी थी, एक राजा ने अपने पास रख ली और एक मंत्री को दे दी कि भाई कम से कम खजाना है तो उसकी जांच तो करते रहना, देखते रहना, सुबह शाम कभी वक्त मिले तो खजाना सुरक्षित है या नहीं। एक चाबी मंत्री को दे दी और एक चाबी खुद रख ली। एक दिन क्या हुआ, राजा घूमने निकला तो क्या हुआ, राजा ने कहा कि चलो, राजा ने कहा कि चलो आज फ्री हैं, खजाना देख लेते हैं। चाबी तो थी उसके पास, जाकर के खोला कोठरी को, अंदर चला गया, जगमगा रहे हैं हीरे मोती जवाहरात, देख करके मन मुग्ध हो गया। मेरे पास इतनी दौलत, मैंने इतना समेट लिया, इतना बटोर लिया, मेरे से ज्यादा सम्राट, मेरे से बड़ा धनवान दुनिया में
कौन होगा, सबको खोल खोल कर संदूक देख रहा, इसमें हीरा है, इसमें मूंगा है, इसमें माणिक है, इसमें पन्ना है, इसमें जवाहरात है, सब देख देख करके खुश हो रहा है। खजानों की चमक में आंखें चौंधिया गई, तृप्त हो गया देखकर, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत बटोरे। हुआ क्या, दुर्भाग्य से वहां से मंत्री निकला, मंत्री ने कहा चलो यार अपन भी खजाना देख लेते हैं, देख तो ले क्या है। वहां क्या देखा कि दरवाजा खुला है। मंत्री ने सोचा रात को ही तो मैं देख के गया था, ये दरवाजा खुला है, राजा सुनेगा तो मुझे फांसी पे लटका देगा, उसने मेरे भरोसे खजाना छोड़ा है। मंत्री दबे पांव गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, उसके पास भी चाबी थी, उसने लिया और बड़ा अवगुण नहीं है, सारे ही गुण हैं, चाहे वो देह के गुण हो या आत्मा के गुण, सब उनके अंदर मौजूद है। थे तितने ही ते परमाणु याते तुम सम रूप नानु, हे जिनेन्द्र तुम्हारे जैसा रूप इस संसार में और किसी का दिखाई नहीं देता, ना उनके जैसे गुण दिखाई देते हैं, ना उनके जैसा रूप दिखाई देता। अनुपम क्या कहा यहां, विश्व दृश्वा, हे भगवान आप सारे जगत को देख लेते हैं, पूरे विश्व को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ऐसा केवल ज्ञान लेकर के बैठे हुए आप विश्व दृष्टवा हैं, पूरे विश्व को ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने हथेली में आंवला रख दिया हो, आंवला कितना सा होता है पूरा दिखाई देता है, ऐसा भगवान के ज्ञान में शकल ब्रह्मांड दिखाई दिया करता, ऐसा अनुपम ज्ञान है भगवान का, सब कुछ उन्हें दिखाई देता है। क्या कहा कि हे प्रभु हम भी अपने आप को देखें। अपने को देखने का क्या मतलब है, कभी तुम अपने आप को दिखाई दिए, बोलो, ये आंखें सबको देखती हैं खुद को नहीं देखती, इसी समय क्यों आता है, बैठ जाओ, ये आंखें सबको देखती हैं खुद को नहीं देखती, कैसे देखोगे अपने आप को, आंख बंद करके बैठ जाओ और बोलो कि मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूं, मेरे भीतर एक आत्मा है उसे मैं देख रहा हूं, कुछ दिखता है क्या कि बातें हैं, क्या दिखता, आंख बंद करो तो ईमानदारी से बताओ, भगवान के सामने बैठे हो, अभी आपसे बोला जाए कि 5 मिनट आंखें बंद कर लो, क्या दिखता है, अपना स्वरूप दिखता है, खुद को दिखते हो, खुद को खुद देखते हो, दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी। और एक बात और याद रखना कि जितनी आंख बंद करके बैठोगे और ये सोचकर बैठोगे कि मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना, वही वही दिखेगा, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, और जिसे देखना चाहोगे वो नहीं दिखता। तो अपने को देखने का क्या मतलब है कि अपने को देखो, क्या देखो, इतने लोग बैठे आज तक अपने आप को देख पाए हो, अरे मैं तो अदृश्य हूं, जो अदृश्य है वो दृश्य कैसे बन जाएगा, आत्मा तो कैसी है अदृश्य, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, हम किसे देखते हैं, हमारी आंखें रूप को, रंग को, वर्ण को, इनको ही तो देखा करती हैं, और आत्मा के पास तो ये सब है नहीं, तो आत्मा तो एक अदृश्य चीज है, उस अदृश्य को कैसे देख पाओगे। तो अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को देखना, इसका मतलब क्या होता है, अपने स्वरूप को देखना, इसका मतलब क्या होता है कि जो जो मेरा स्वरूप नहीं है उससे छूटते जाओ, बस पाप मेरा स्वरूप नहीं है, पाप को छोड़ो, विषयों को छोड़ो, राग देश को छोड़ो, कषायों को छोड़ो, ये अपना स्वरूप नहीं है, क्रोध करना हमारा स्वरूप नहीं है। अपने आप को देखने का मतलब ऐसा नहीं कि आंखों से देखना,
अपनी अशुद्धियों को हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना। जितने भी विकार हैं उनको हटाते जाओ, जितने भी राग देश परिणाम हैं उनको हटाते जाओ। हटाते जाओगे, हटाते जाओगे, और जब अपने में लीन हो जाओगे, उसी को कहा जाता है विश्व दृश्या।